हो गया है, पाकिस्तान भारत के ग्रुप में है, और 9 तारीख को पाकिस्तान और भारत का अहम मुकाबला होगा लीग स्टेज में। नहीं, मोहम्मद आमिर देखो अपने टाइम पे बड़े जबरदस्त गेंदबाज थे। इमाद नसीम भी मैं हैरान हुआ था, बिकॉज जो दुबई में वर्ल्ड टी20 हुआ था उन्होंने ठीक ठाक बॉल डाला था। पाकिस्तान की टीम देखकर एक चीज तो लगती है कि एक ही साथ एक ही चैनल पर काम कर रहे थे और दोनों मिलकर बाबर आजम की काफी तंकीद भी कर रहे थे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों टीम में शामिल हो गए। पहला रिएक्शन आपका क्या? अच्छी कमरेडरी की आपस में भूख देखने को मिली, क्योंकि अब जरूरी है और एक्सपीरियंस के पास ही गए, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में, स्पेशली बोलर्स की जब बात करते हैं कि बोलर्स का ऐसा नहीं रहता कि बोलर्स नहीं है, तो ये सब चीज है इनके बीच में, मतलब क्योंकि इमाद है तो दैट मींस वो नवाज का नाम नहीं है शायद, है ना? नवाज इनके लिए लगातार खेले, तो नवाज जो मैच विनर रहे हैं बाबर के, और बाबर बात भी होते हैं नवाज द मैच विनर, और हालांकि लास्ट में वही फंसते थे, पता नहीं क्या कप्तानी होती थी क्या कुछ होता, लास्ट में नवाज पर आते थे घूम फिर के बाद, बट देन वही है जो इनके प्लेयर्स अभी ऑलरेडी पिक हो चुके थे उन्हीं में से हम देख रहे हैं कि वही सब नाम है, और इंडिया पाकिस्तान क्योंकि एक मुकाबला होना है, और इवन अब तो थोड़ा सा यूएसए भी धमकी दे रही है ना जो परफॉर्मेंसेस से, वो कह रही कि भाई हम देश को हाँ ज्यादा हल्के मत लेना, आयरलैंड की तो बात चल रही है, वो देखिए यूएसए वाले भी कह रहे हैं कि हम इंडिया से पाकिस्तान से न्यूजीलैंड से मिलकर जो सब बने यहाँ पर, कोरी एंडरसन भी वहां पर, और राहुल भाई किस तरीके से आप देख रहे हैं नवाज मैच विनर जो थे वो नहीं है वहां पर, और इमाद वसीम एंट्री हो चुकी है उनकी, ठीक है अच्छा है। इनफैक्ट जैसे आपने बता ही दिया तो आठ प्लेयर जो हैं इंडिया के सॉरी पाकिस्तान के, वो जो है वो पिछला टी20 वर्ल्ड कप भी खेले थे, और पांच नए ऐसे प्लेयर हैं जो पहला अपना टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं वो वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होते ही पड़ोसी मुल्क में गोया भूंचाल आ गया और भारतीय मीडिया ने एक एक खिलाड़ी का नाम लेकर उस पर तबसरे करने शुरू कर दिए। बेहतरीन बैटर्स के अलावा जबरदस्त बॉलर्स का पाकिस्तान टीम में होना भारतीय मीडिया से बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रहा। इस हवाले से विक्रांत गुप्ता का भी रद्द अमल सामने आया है, जिसमें वो एक एक खिलाड़ी का नाम लेते हुए तज़िये कर रहे हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस क्लिप में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से